हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इमली ले लो, इमली, इमली ले लो, इमली। सला एक 70 साल की बूढ़ी औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए सुम्र में भी काम कर रही थी। वो लोगों को आवाज दे देकर बुला रही थी, इमली ले लो, इमली। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वहाँ आकर रुका। अम्मा, ये इमली कैसे दी? बेटा, 50 रुपए किलो है। तो 1 किलो पैक कर दो। वो क्या है ना, मेरी बीवी पेट से है तो उसका बहुत मन है खाने का। वैसे काकी, आप इस उम्र में ये काम क्यों कर रही हो? इस उम्र में इतनी गर्मी में आपके लिए धूप में रहना अच्छी बात नहीं है। तभी उस आदमी की पत्नी शीतल ने कहा, तो काकी, आपके घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है क्या? आपका कोई परिवार नहीं है? ये सुनते ही उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो अपने बेटा बहू और पोता पोती के साथ रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन, माँ, मैं और तारा जागरण में जा रहे हैं, आप गुनगुन और रोहन का ध्यान रखना। ठीक है बेटा। कुछ देर बाद, दादी माँ, देखो ना, गुनगुन रो रही है। शैतान, तूने ही इसे छेड़ा होगा। आ मेरी बच्ची। सरला ने बच्चों को किसी तरह बहला कर लोरी सुना कर सुला दिया। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। उस आदमी ने जो सरला से कहा उसे सुनकर तो वो हैरान ही रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं माँ जी, लेकिन पंडाल में आग इतनी ज्यादा थी कि उन दोनों का बचपाना मुश्किल था। सरला पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? तू मुझ बुढ़िया को ही ले जाता, भला मेरे जवान बेटे बहू को यूं ले जाने की क्या जरूरत थी? सरला ने किसी तरह खुद को संभाला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर सरला ने बच्चों की परवरिश के लिए इमली बेचना शुरू कर दिया। इमली ले लो, इमली, खट्टी खट्टी मजेदार इमली। सरला ने इसी तरह इमली बेच बेच कर उन दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनकी परवरिश करने लगी। अब दोनों ही बच्चे बड़े हो चुके थे और पढ़ लिख कर दोनों अच्छी नौकरी करने लगे और पैसे कमाने लगे। फिर एक रोज, दादी माँ, हमने वकील से कहकर माँ बाबा की जो गांव की जमीन है उसके पेपर मंगवाए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उनके जाने के बाद उनकी जमीन पर हमारा हक है। इसलिए हम दोनों भाई बहन ने उसे आधा आधा बांट लिया है। अच्छी बात है बेटा, लेकिन क्या तुमने एक बार भी इस बुढ़िया से पूछना जरूरी नहीं समझा? जब आपका उनकी प्रॉपर्टी पर 2 कौड़ी का भी हक नहीं है, फिर आपका इस घर में क्या काम? और ना ही हमें आपकी जरूरत है, इसलिए अब आप भी इस घर से निकल जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे बच्चों? ए बुढ़िया, यू हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर और अब निकल जा हमारे घर से। हाँ, नहीं तो धक्के मारकर हम तुम्हें निकाल देंगे। तुम दोनों इतना कैसे बदल गए? मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो तुम्हारी ये दादी हमेशा तुम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। जिस उम्र में सरला को अपने पोते पोती की जरूरत थी, उसी उम्र में उन दोनों ने उस बूढ़ी औरत का साथ छोड़ दिया। बेचारी सरला टूटे हुए दिल के साथ एक दूसरे की झोपड़ी बनाकर रहने लगी और अपना पेट पालने के लिए इमली बेचने लगी। क्या हुआ काकी? कुछ नहीं बेटा, कुछ यादें आंखों में उमड़ गई थी। लगता है आपके दिल में गहरी चोट लगी है। काकी, एक बात कहना चाहूँगा, आपके जैसे हर उस इंसान को मेरा सलाम है जो इस उम्र में भी खुद मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। मैं तो ऊपर वाले से यही चाहूँगा कि आप जैसी हिम्मत मुझे भी उम्र के इस पड़ाव तक आते आते देना, ताकि मुझे भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऊपर वाला आपके जख्म को जल्दी भर दे माँ जी, जख्म बहुत गहरा है बेटा, अब तो ये ताउम्र साथ रहेगा। ऐसे ही कुछ रोज बीत गए। सरला इमली बेच कर अपना गुजारा करती थी। उसके पास कई लोग इमली खरीदने आते थे। सड़क किनारे पेड़ की छांव में बैठकर वो इमली बेचती थी। सभी उसे इमली वाली अम्मा कहकर बुलाते थे। इमली वाली अम्मा, मुझे 20 रुपए की इमली देना। इमली वाली अम्मा, मुझे 10 रुपए की इमली देना। हाँ हाँ मेरे बच्चों, अभी देती हूँ। ऐसे ही सरला अपना गुजारा चला रही थी। फिर एक रोज उसने देखा एक लड़का रोड क्रॉस कर रहा था और सामने से एक ट्रक तेजी के साथ आ रहा था। तभी सरला ने उस लड़के को जोर का धक्का दिया और खुद उस ट्रक के नीचे आ गई। उस लड़के ने जैसे उस बूढ़ी औरत को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सरला का पोता रोहन ही था। दादी, दादी, तुम्हारे माँ बाबा मुझे बुला रहे हैं।
अब रोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इमली वाली बूढ़ी अम्मा अब सदा सदा के लिए खामोश हो चुकी थी। अम्मा 30 रुपए की जामुन कर दो। बिटिया देती हूँ, ये लो। मम्मी, ये बूढ़ी अम्मा इस उम्र में भी कितना काम कर रही है। हाँ बेटा, शायद इनका इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तभी तो इतनी उम्र में भी खुद काम कर रही है। चलो बेटा, ऑटो वाला वेट कर रहे। उस औरत की बातों को सुनकर जानकी नाम की उस बूढ़ी औरत की आंखें भर आती हैं और वो अपने आप से ही बातें करने लगती है। हाँ, आज मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, पर कल तक मैं अकेली नहीं थी, मेरा भी परिवार था। पर सुनो जी, पापा को गए 1 महीना हो गया, पर तुम्हारी माँ अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई। घर के सारे काम मैं करूँ और वो आराम से बैठकर रोटियाँ तोड़े। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, तुम इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा हो, मैं तंग आ गई हूँ इनसे। तुम जानती भी हो सुधा, तुम क्या बोल रही हो? ये घर माँ के नाम है, अगर माँ चली गई तो उनके साथ ये घर भी चला जाएगा, फिर रहना सड़क पर। बात करती हो, लाओ मेरा टिफिन दो, मैं लेट हो रहा हूँ। विनोद काम पर चला जाता है, तभी जानकी मंदिर से आ जाती है। पोता सूरज भी साथ था। मम्मी देखो, दादी माँ और मुझे प्रसाद में खीर मिली, आप भी खाओ ना मम्मी। मुझे नहीं खानी, और चुपचाप जल्दी से खीर खत्म करो और पढ़ने बैठ। एक संडे का दिन होता है और पूरा दिन तो घूमने फिरने में लगा देता है। और माँ जी, आपको जब मैंने बोला था आज मशीन लगाकर कपड़े धो देना, तो आपसे कपड़े तो धुले नहीं। सुबह सुबह पूजा करने मंदिर चली गई, अब मशीन लगाकर कपड़े धो लो, बड़ी मेहरबानी होगी। चिंता मत करो बहू, मैं बस मशीन लगाने ही जा रही हूँ। सुधा का यही स्वभाव था, वो अपनी सास जानकी पर अत्याचार करती थी। घर के सारे काम जानकी ही करती थी। पति के दुनिया से चले जाने के बाद जानकी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकी की बहू सुधा तो इसी फिराक में थी कि किस तरह से जानकी को इस घर से धक्का देकर उनके घर की मालकिन बन जाए, और उसे मौका मिल ही गया। अरे मैं मर गई, ये गर्म पानी बाल्टी में किसने रखा था? मेरा हाथ जल गया। जरूर ये काम माँ जी का है, वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊँ और उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले। क्या हुआ सुधा, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ये सब तुम्हारी माँ के कारण हुआ है, उन्होंने ही जानबूझकर बाल्टी में गर्म पानी भरकर रखा था ताकि मैं नहाने जाऊँ तो मैं जल जाऊँ। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। माँ आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी वजह से आज मेरा घर परिवार टूट रहा है, आप कहीं चली क्यों नहीं जाती हो? मेरी इसमें कोई गलती नहीं विनोद बेटा, मुझे तो बहू ने ही कहा था कि उसे गर्म पानी से नहाना है, और मैंने उसे कहा भी था कि बाल्टी में गर्म पानी मैंने रख दिया है। मुझे नहीं पता कि ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, तुम बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हो। हाँ हाँ, मैं ही झूठी हूँ, आप ही सच्ची हो, रहो अपने बेटे के साथ। सूरज स्कूल से आ जाए तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। चिंता मत करो सुधा, मैं कोई ना कोई इंतजाम कल तक कर ही लूंगा, पर माँ इस घर में नहीं रहेगी। विनोद काम पर चला जाता है और सुधा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद सूरज स्कूल से आता है, तब उठती है। मम्मी दादी कहाँ हो सब? अरे मेरा राजा बेटा आ गया, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। माँ जी खाना बन गया या नहीं? अरे ये कहाँ चली गई? मम्मी दादी कहाँ चली गई? उन्होंने मुझे बोला था आज वो मुझे पार्क में झूला झुलाने ले जाएंगी। सुधा पूरे घर में देखती है पर उसे कहीं भी जानकी नजर नहीं आती। वो विनोद को फोन मिलाती है। विनोद घर आता है। विनोद, सूरज माँ जी से मिलने के लिए रो रहा है, अब उसे कैसे समझाएं? चिंता मत करो सुधा, मैं सूरज को समझाता हूँ। सूरज बेटा रोते नहीं है, तुम्हारी दादी जी हरिद्वार गई है, वहाँ एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा, कुछ दिनों बाद तुम्हारी दादी आ जाएंगे, ठीक है? सुधा और विनोद किसी तरह सूरज को समझा देते हैं, पर वो दोनों जानकी के बारे में कुछ भी पता करने के बारे में नहीं सोचते। जानकी सड़कों पर अकेली बेसहारा घूम रही थी। जानकी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो लेकर वो दूसरे शहर आ गई और एक झुग्गी में रहकर अपना गुजारा करने लगी। अब तो बहुत से झुग्गी वाले जानकी को जानते थे। जानकी को घर से निकले आज 10 साल हो गए। पिछले 10 सालों से जानकी अपने परिवार से दूर है, पर विनोद और सुधा ने उसे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। गर्मियों का सीजन आया तो जानकी ने मंडी से जामुन खरीदे और जामुन बेचने लगी। आज 80 साल की उम्र में जानकी इस दुनिया में परिवार के होते हुए भी अकेली है और आज भी खुद से कमाकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। जानकी काकी, घर चल रही हो? मैं घर ही जा रही हूँ। शोभा बेटिया, अभी बहुत जामुन पड़े हैं, मैं सोच रही हूँ कुछ देर और बैठ जाती हूँ, थोड़े और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लाला के जामुन के पैसे लौटाने हैं, घर ले गई तो जामुन खराब हो जाएंगे, और
तुम्हारी नारियल पानी की बिक्री हुई क्या आज थोड़ी? हाँ काकी, आज बाजार में घूम कर बेची तब जाकर बिकी। मैं तो कहती हूँ मुझे दे दिया करो बेचने के लिए, पर तुम मानती कहाँ हो काकी? नहीं बिटिया, तुझे भी तो अपने घर का ख्याल रखना है। तू भी तो कितनी मेहनत करती है ना, तेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ भी तो घरों में काम करती है, कम से कम तू मेहनत करके घर को चला लेती है, ये बहुत बड़ी बात है बिटिया। चिंता मत कर, मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है, जिंदगी के दुखों ने मेरे शरीर को मजबूत बना दिया है। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है काकी। अच्छा मैं घर चलती हूँ, फिर तुम आराम से आ जाना। जानकी को जामुन बेचते रात हो गई, उसके पास अभी भी जामुन बचे हुए थे, तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। अरे यार जामुन खाने का बहुत मन हो रहा है, चल उन अम्मा से जामुन लेते हैं। एक काम कर तू जल्दी से जाकर ले आ, मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ। अम्मा 50 रुपए के जामुन कर दो। अभी करती हूँ बेटा। अम्मा मेरे पास 500 का नोट है, आपके पास खुले होंगे? नहीं बेटा मेरे पास खुले तो नहीं है। सूरज सूरज तेरे पास 50 रुपए है क्या? जरा पकड़ा दे है तो। सूरज? जानकी सूरज नाम सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। अचानक वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और जानकी को देखकर चौंक जाता है। दादी माँ और यहाँ? सूरज तब छोटा था, 10 साल का बच्चा सूरज आज 20 साल का हो चुका था। सूरज अपनी दादी को पहचान गया और वो दादी दादी कहकर अपनी दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। सूरज कॉलेज में पढ़ रहा था तो वो इसी शहर में रहता था। सूरज को जानकी से सारी बात पता चलती है और वो भी अपने पोते से लिपट कर खूब रोती है। इसके बाद जानकी सबसे विदा लेकर अपने पोते सूरज के साथ अपने शहर अपने घर पहुंचती है। जानकी को सूरज के साथ देखकर विनोद और सुधा हैरान रह जाते हैं, पर सूरज गुस्से में था। मम्मी पापा आखिरी बार आप लोगों से मिलने और अपना सारा सामान लेने आया हूँ, आज के बाद मैं आप लोगों को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा, मैं दादी के साथ रहूंगा। आपने मुझसे झूठ बोला कि दादी माँ हरिद्वार गई है, पर आज 10 साल बाद दादी की हालत देखकर सचमुच मुझे आपको अपने माता पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हमेशा दादी माँ के बारे में आपसे पूछता था पर आप हमेशा टाल देते थे, कहीं ऐसा ना हो जैसा आपने दादी माँ के साथ किया है ना, कल आपके साथ ऐसा हो जाए। पर नहीं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आप दोनों के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़कर दादी माँ के साथ जा रहा हूँ। नहीं सूरज बेटा, ऐसा मत कर, हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे। हमें माफ कर दो सूरज बेटा, ऐसा मत करो, तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। अच्छा तो दादी माँ के बुढ़ापे का सहारा भी तो आप ही थे ना, तब आपने क्यों नहीं सोचा मैं आप दोनों की नहीं सुनूंगा, मैं दादी माँ के साथ जा रहा हूँ। सूरज जानकी के साथ वापस जाने लगता है, तभी सुधा और विनोद रोते बिलखते जानकी के पैरों में गिर जाते हैं। बाजी बाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई बाजी। माँ सूरज को समझाओ ना माँ। जानकी वही रखी एक कुर्सी पर बैठ जाती है। नहीं सूरज बेटा, अब मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं अपने पोता और बेटा बहू से मिल ली, अब जीने की इच्छा नहीं सूरज बेटा, अपने माता पिता को माफ कर देना, अपने माता पिता की खूब सेवा करना, माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है, हमेशा खुश रहना बच्चों। इतना कहते ही जानकी की गर्दन एक और लुढ़क गई, ऐसा लग रहा था मानो वो अपने बेटा बहू और पोते से मिलने के लिए ही अब तक इस दुनिया में जिंदा थी। विनोद और सुधा की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। सूरज अपनी दादी से लिपट कर बहुत रोता है, आज उसकी दादी गरीबी में जिंदगी के दुखों को झेलते हुए